कुमार के घर पर पूरी तरह से गमगीन माहौल है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं घर में मौजूद है। वीरांगना सरिता देवी, बहन अंकिता और परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। अनिल कुमार के ताऊ पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी बनवारी लाल ने बताया कि हमारे घर का इकलौता बेटा नौसेना में भर्ती हुआ, जिसका पूरे परिवार को गर्व है। अनिल के दादा डॉक्टर बीडी वर्मा ने बताया कि अनिल एक मेधावी छात्र था। अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर उसने पढ़ाई की। पिता का देहांत होने पर पूरे परिवार पर पहाड़ टूट गया था, लेकिन पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। अनिल ने नीमका थाना में पढ़ाई पूरी की और नौसेना में भर्ती हुआ। और गांव को ही नहीं पूरे जिले को उस पर नाज है। नौरंगपुरा का पूरा बाजार बंद है। पूरे गांव में गमगीन माहौल है। और ज्यादा जानकारी के लिए झुंझुनू से हमारे सहयोगी रविंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, नौरंगपुरा में गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, राज के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और यहाँ के गांव वालों की आंखें नम थी, नम आंखों से अपने लड़ने को अंतिम विदाई दी है। जी रविंद्र, दर्शकों को आप एक बार बताना चाहेंगे कि क्या कारण रहा कि अनिल देशमुख है, माफ कीजिएगा, अनिल जो है उनके गमगीन माहौल है, उनका जो शव है वहां पहुंचा है, काफी तादाद में महिलाएं भी है, क्या रीजन रहा कि वो शहीद हो गए? जी बिल्कुल, वो ड्यूटी के दौरान उन्हें कोई करंट लगा था, करंट के कारण वो शहीद हो गए। ये घटना 5-7 दिन पहले की है, लेकिन इलाज चला था उनका चेन्नई के अस्पताल में। उसके बाद चेन्नई के अस्पताल में इलाज के दरमियान उनका निधन हो गया और आज सुबह जो पार्थिव देह है वो गांव पहुंची और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। धन्यवाद रविंद्र तमाम जानकारी के लिए।